टेलीविजन पर पहली बार। हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सोनू सूद की पहली मूवी की जो रिलीज होने वाली है इस लॉकडाउन के बाद। चल आ जा, दबे तो ले जा इसे। जब रावण ने सीता का हरण किया था, तब जो श्री राम ने किया था मैं भी वही करूंगा। जो कि आपको इसी मंथ अगस्त में देखने मिलेगी। कब देखने मिलेगी, कहां देखने मिलेगी, ये सब की जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। ये मूवी आपको इस लॉकडाउन की दो ट्रेंडिंग टॉपिक कवर करते हुए मिलेगी। पहली खुद सोनू सूद है और दूसरा है रामायण का टच। मतलब इसी कहानी में आपको रामायण का टच भी देखने मिलेगा। मतलब इसमें भी कोई रावण होगा, कोई राम होगा, कोई सीता होगी, ऐसे कुछ है। इसलिए इस मूवी का नाम भी रखा गया सीता राम। तो आप सोच ही सकते हैं मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बस इस मूवी के साथ दिक्कत ये है कि जो रियल लाइफ में हीरो है उसे इसमें रियल लाइफ का रावण बना दिया है। मतलब सोनू सूद, जिसे आप अभी जानते हो कि लॉकडाउन में कितने लोगों की उसने हेल्प की है और बहुत फेमस सेलिब्रिटी बन चुके हैं अब। वैसे सेलिब्रिटी तो पहले भी थे यार, नहीं फेमस पर्सनालिटी बन गए हैं, सभी गरीबों का मसीहा बन गए हैं, और उसे इस मूवी में रावण जैसा दिखाया है। तो इसमें जरूर कई लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद भी, जैसे सलमान खान, आमिर खान और जो भी खान कपूर हैं, उन्हें छोड़कर सिर्फ सोनू सूद नाम वाले इंसान ने इतनी लोगों की मदद की है। तो क्या पता अब उनको भी एज ए हीरो एक्टर में लिया जाएगा नई मूवी में। एक्चुअल में वो तो हीरो बनने ही आए थे। उनकी सबसे पहली मूवी थी विवाह, एक विवाह ऐसा ही। तो उस मूवी का नाम था एक विवाह ऐसा ही, जिसमें उन्होंने अपना अच्छा काम किया था लेकिन लोगों ने उसे पसंद नहीं किया और वो एज अ विलन ही फेमस हो गए। लेकिन अब ऐसा शायद ना हो, उन्हें भी कोई एक्टर का रोल मिले। और बहुत लोगों को पता है कि वो कई लोग की मदद की, लेकिन शुरुआत कैसे हुई ये शायद किन्हीं लोगों को पता होगा, तो उसे ही मैं थोड़ा यहाँ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में वो ट्रक या ऑटो वगैरह में बहुत सारे खाने पीने का सामान को जो गरीब लोग हैं उनको देने का सोचे थे इस लॉकडाउन पे। लेकिन वो एक गरीब के पास गए जहाँ उसकी जो माता जी थी वो बोली कि बेटा मुझे दो तीन दिन का भी खाना मिल जाएगा क्या? उसने बोला क्यों? वो बोली कि मुझे बहुत दूर जाना है। तो उसे उनकी हालत पर थोड़ी दया आ गई, क्योंकि उनके बच्चे भी थे और किन्हीं के पास चप्पल था तो किन्हीं के पास नहीं था। तो तब से इस स्टोरी की शुरुआत हुई और वो चलते गए और वो फेमस होते गए। तो ये बहुत बढ़िया बात है, अगर सब उनकी तरह बन गए तो ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। उन्हें स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना पड़ा था। मतलब आप खुद सोचो, जब दो स्टेट के गवर्नमेंट ही मिलके जो मजदूर को ले जा नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ दो दिन में पूरा प्रबंध कर दिया और वो छोड़ भी दिया, तो समझ सकते हो कि कितना करप्शन चलता है सब तरफ। ओके, खैर मेरे को ये सब बात नहीं करना था, मेरे को बताना था इसके मूवी के बारे में। सो मूवी रिलीज होने वाली है कलर सिनीप्लेक्स में। ये चैनल है जो कलर था ना, जिसमें बालिकाओं द्वारा था, उसका एक मूवी चैनल है कलर सिनीप्लेक्स। उसमें ये देने वाला है 30 अगस्त को 12 बजे, रात को नहीं दिन को 12 बजे ये प्रीमियर होने वाला है, आज से ठीक 4 दिन बाद, हाँ वही 30 अगस्त को। सो इसमें आपको मिलेंगे जो मेन राम है, जिसने राम का कैरेक्टर निभाया था, वो है एक बहुत ही अच्छे एक्टर जो इतने अच्छे हैं कि उनकी मूवी जहाँ वो बनाते हैं, मतलब साउथ में, वहाँ नहीं चलती, वहाँ फ्लॉप हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो मूवी हिंदी डब होकर यहाँ लगती है तो एकदम से हिट हो जाती है। उनको तो वहाँ छोड़ कर यहाँ मूवी बनाना चाहिए। उनका नाम है बेलमकोंडा सराय श्रीनिवास, पता नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन यही नाम है। सो इनकी एक और मूवी है जो कि है इंस्पेक्टर विजय के नाम से, बहुत लोग शायद देख चुके होंगे, और अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो ये मूवी जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब में ही अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और हाँ, सीताराम मूवी जो भी आने वाली है उसका भी लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप ये मेरी वीडियो को 4 दिन के बाद देख रहे हो तो जरूर से डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। जो मूवी है इंस्पेक्टर विजय बहुत ही बेहतरीन मूवी है, पता नहीं कैसे वहाँ फ्लॉप हो गई, आप एक बार देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें आपको एक बॉलीवुड के एक्टर भी मिलेंगे जो कि विलन है, उनका नाम है तीन नाम है उनका ऐसे कुछ नाम है उनका नाम है हाँ
नील नितिन मुकेश, तीन नाम हुआ ना, सो वो आपको देखने मिलेंगे। और बस, और एक्ट्रेस में है काजल अग्रवाल, जिसे सब जानते ही होंगे। सो ओके, सो चलते हैं आपसे एक, चलते नहीं यार, सो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।